आइए हम आपको दिखाते हैं सांप। जो सांप मुझे काटा था वो इसमें है, भैया ने पकड़ लिए हैं। गाइस सलमान सर को जो सांप काटा था ना वो मिल गया है, तो हम जा रहे हैं देखते हैं। मुझे जो सांप काटा था वो मिल चुका है, मैंने बंदे लगा दिया था उसको ढूंढने के लिए, वो मिल गया, जाके देखते हैं उसे। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, दिस इज दीपेंद्र सिंह चैनल और मैं हूँ सलमान खान। आओ आपको मिलाते हैं जिस सांप ने सलमान खान को काटा था वो सांप से। चलिए चलते हैं। और आज है 1 जनवरी, तो आज हमारा एक पिकनिक का भी प्लान है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। बने रहिए इस ब्लॉग पे गाइस। यहाँ पर ये भैया ने देखो ये सांप पकड़े, इसमें अभी दिखाएंगे। और ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये मेरा छोटा भाई और ये इसके दोस्त लोग। न्यू ईयर मनाने आए भाई, सांप के दर्शन होने वाले हैं। कैसे हैं आप लोग? ये हैं भैया और मैं आया हूँ न्यू ईयर में अपने दोस्तों के साथ चाय पीने। जो सांप काट के भागा था वो मिल गया, जो सांप मुझे काटा था वो मिल गया, इन भैया के पास है, इस डब्बे में है। आइए आपको दिखाते हैं, कमाल है। आइए हम आपको दिखाते हैं सांप। जो सांप मुझे काटा था वो इसमें है, भैया ने पकड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा दोस्त, आइए मुझे थोड़ा दूरी रखना, मुझे डर लगता है, कमाल है, मुझे डर लग रहा है। अरे यही था वो, यही था। बाबा देख क्या गजब है, देख सकते हैं आप। मुझे बहुत डर लगता है इससे, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका था। आप लोग को अभी न्यूज आई थी, अब न्यू ईयर है भैया, दूरी रहना है, कमाल है। ये रहा वो, अच्छा ये जकड़ता है। अरे मेरे पास आ रहा है। तो ये सब लोग और ये सांप, ये भैया, देखना बहुत आसान लगा अभी जैसे मैंने ये पकड़ा, तुम लोग को बहुत आसान लगा होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है, बहुत वो लगता है। और ये ऐसी चीज़ इनसे दूर ही रहना चाहिए। मैंने गलती कर दिया था, वो मुझे मालूम है। तो उसका फल भी आपको मिला, हॉस्पिटल में पूरी रात गुजारनी पड़ी, जन्मदिन वाली। तो आप लोग से निवेदन है कि इनका रहना भी बहुत जरूरी है प्रकृति में, क्योंकि सभी का रहना बहुत जरूरी है। इनको ना छूएं और दिखते ही साथ अपने नज़दीकी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को कॉल करें, क्योंकि आप अगर किसी को भी बुला लेंगे और उसको काट दिया तो फिर वो भी आपके ऊपर आ जाएगा कि उसको काट दिया वो मर गया। क्या हर किसी को नॉलेज रहता नहीं। और ये भी बता दीजिए, अगर काट दिया तो जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी पहली बात तो देखते ही साथ कॉल करें मुझे अपने आसपास के एरिया में, और अगर काट दे तो भी कॉल करें, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों की जान बचा चुका हूं जो कि मानते नहीं, अपन ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो लोग मानते नहीं, झड़ाई फुकाई की तरफ ज्यादा जाते हैं। जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल। और अगर हॉस्पिटल में एंटीवेनम उपलब्ध ना हो तो मुझे संपर्क करें, मेरे पास 365 दिन एंटीवेनम उपलब्ध रहे। तो भैया का नंबर जो है मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये भैया ने बता दिया कि सांप को किस तरीके से पकड़ा जाता है। मैंने गलती कर दिया, मैं सोचा कि एक था टाइगर और टाइगर यही है तो मैं भी पकड़ सकता हूँ सांप को, लेकिन मैंने गलती कर दिया, अब कभी सांप को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, कभी नहीं। हाँ हाँ मेरे पास मत लाना बस। हेलो भाई जी, सोई छोटा सा आइडिया, मेरे को ये सांप था सलमान सर को जो काट दिया था, देख सकते हैं आप लोग। मैं नहीं डरता इससे, सलमान सर डरते हैं। तो आपने कभी सलमान खान को स्कूटी चलाते देखे हो? तो देख लो सलमान खान को स्कूटी चलाते हो, ये देखो। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पिकनिक, सो चलो चलते हैं। सलमान खान का सांप तो मिल गया, अब हम जाते हैं थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। 1 जनवरी भी है, थैंक यू। हम लोग को जाना है पिकनिक और सिर्फ हम तीन ही आए हैं और बाकी दोस्त अभी नहीं आ पाए, ऐसा लेट करते हैं बताओ। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ टपरी, मेरे कुछ दोस्त लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। हम लोग का टाइमिंग था 1:30 बजे और ये 2:30 बजा दिए हैं, कमाल करते हैं।
ना दिल दिया गल्ला। कैसा लग रहा हूँ मैं? एक था टाइगर, यू नो। चलो पिकनिक करते हैं। स्टॉप देख सकते हैं आप, फार्म हाउस से लेके जितना भी दूर तक देख सकते हैं। ग्रुप मेरा है। ये मेरे दोस्त। तो गाइस अभी और आगे जाना है, तो इसके और आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है? ओ फाइनली आ गए। अरे आए हैं रे। तो गाइस आ गए हम लोग जहाँ आना था। ये देख लो, ये मस्त प्लेस है क्या। तो कैसा लगा मेरे फार्म हाउस के ये जो तालाब है, ये आकर कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे। सलमान खान की रईसी क्यों बे? ये सांप से बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे हमको। ए, कोई मिल गया के जादू? इधर देखो, कोई मिल गया के जादू। कैसा लग रहा है? तो ये है आई लव दिस प्लेस। सो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे मैगी कोई अच्छी सी जगह ढूंढ कर। तो चलो चलते हैं। दिस इज द लुक ऑफ दिस प्लेस, नाइस यू नो। तो यहाँ पे फुल पीपा के टन में पड़े हैं और हम जा रहे हैं अपनी पिकनिक बनाने। सलमान खान सर का ये एरिया बहुत ही अच्छा है। क्या बात है सलमान सर, क्या बात है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा ना। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है पिकनिक मनाने आए हैं। ये देखो, जैसे आप ये देख सकते हैं, क्या ही ये लुक है यार, अमेजिंग। मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, ये प्लेस देख सकते हैं आप। सलमान खान सर को तो मैं व्लॉग करने ही नहीं दे रहा हूँ, अब मैं ही कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ व्लॉग करने में। ये तो जगह है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है ये। ओह दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरे को व्लॉग नहीं बना दे रहा कमीना। लकड़ी जमा कर रहे हैं, मैगी बनाने वाले हैं हम लोग। मैं इस पत्थर पे चढ़ के इन लोगों में अबे देखो, किंग खान सलमान खान इज हियर। और साकेत भाई बहुत ही डेडली रास्ता था, बहुत ही हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई आने में यहाँ पर। आम आदमी यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी देखो, हमारे दोस्तों ने महान ये आदमी, ये जादू ये जो खाली मैगी वैगी गंजा वर्जा सब लेके आ गए, लेकिन वो चम्मच ही लाया है चलाने के लिए। बहुत महान लोग है। क्या हो गया है? इधर बता क्या हो गया तेरे को। भाई
गाइस हम लोगों की चम्मच लकड़ी बन गई है, देसी फुल देसी चम्मच है। क्या बात है, घर से कुछ नहीं लाए, सब अपने घर से बड़ा बड़ा लेके भेज दिया। बताओ ये लड़का जो है ना, ये हरकतें कर दिया, चॉपस्टिक चिल्ला रहा है, चॉपस्टिक हो गई है हमारी, नाक लग रही है। और ये देखिए मैगी का हाल क्या हो गया, खा लो बेटा सब मैगी खा लो, चाय पी के चलो अब तो। हमारी मैगी का तो चौपट हो गया, और देखो पिकनिक बनाने की नीचे टेक्निक टेस्टी। अब हम चाय बना रहे हैं, मैगी तो हमें नसीब नहीं हो पाई, वहाँ गिर गई, चाय ही बनेगी, सब की चाय भी बना ले भाई, सही सलामत से सब बैठे हैं, सब हंस हैं, सबका मन टूट गया है, किसी को मैगी नहीं मिल पाई थी। इसमें तो सही से दूध चला गया है, बस कप में सही से निकाल के दे देना है ना, अभी भी गिर सकती है। तो निकालो भाई हमारे लिए फट से, चाय बन गई फाइनली, चाय बन गई हमारी, बहुत टेस्टी, अच्छी है भाई, अच्छा बनाया, थैंक यू। बस हो गया, यहाँ का लुक बहुत ही सही लगा हम लोगों को, ये देखो बहुत ही मजा आया यहाँ पर, बस कुछ खाने को नहीं मिल पाया, बाकी तो अब चलते हैं। Hey guys, यहाँ पर टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को अपना ख्याल रखें। और यहाँ मेरे दोस्त लोग ऊनो खेल रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, चलिए चलते हैं, बाय।